आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिल्पा को आत्महत्या करनी पड़ी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? नमस्कार, मैं रानी सूर्यवंशी आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। ये कहानी है महाराष्ट्र के मुंबई शहर की, जहाँ पर शिल्पा अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। मम्मी चलो जल्दी, बस निकल जाएगी। हाँ बाबा, बस 2 मिनट। कौन आ गया अभी? अरे आप आइए ना अंदर, मुझे ना डॉक्टर के पास जाना है। सुनो ना, मैथ और साइंस बहुत अच्छे तरह से आता है, तो प्लीज मेरे नाती को पढ़ा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सिखाऊंगी ना। वैसे कौन सी क्लास में हो आप? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होगी तुम्हें। अच्छा तुम कल 12 बजे आ जाना। एक्चुअली ना तुम्हें इसे आज से ही पढ़ाना होगा, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ ना, और मुझे काफी वक्त लगेगा वापस आने में। इसे मैं तुम्हारे पास। अरे हाँ चलेगा ना, आप वापस आने तक ये मेरे पास रुक सकते। थैंक यू शिल्पा। वेलकम। अगर तुम चाहो तो मैं डॉली को छोड़ दूँ स्कूल बस तक, वैसे मैं नीचे जा रही हूँ ना। हाँ ठीक है ना, चलेगा। बेटा आज दादी के साथ जाओ, ठीक है? बाय रोहन। हाँ रोहन। आप बैठो, मैं थोड़ा काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है। क्या कर रहे हो रोहन? वही मैथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैथ में तुम्हें कौन सा टॉपिक ज्यादा हार्ड लगता है? वही साइन कॉस थीटा, मतलब ये तो बिल्कुल समझ नहीं आता मेरे। हाँ काफी मुश्किल भी। हाँ, है। मुश्किल है। तो चलो उसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तुम आ जाओ।
रोहन अब हर रोज शिल्पा के घर में पढ़ाई के लिए आने लगा था। दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे और साथ में वक्त भी गुजारने लगे थे। अब घर के कामों में रोहन शिल्पा की मदद करने लगा था। यार ये सब हो रहा है मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अबे पागल, इसका मतलब वो तुझे लाइक करती है। पर ये कैसे हो सकता है, वो मुझसे उम्र में काफी बड़ी है। अबे तुझे पता नहीं है क्या, आजकल सब ऐसे ही होता है। अबे बड़े उम्र की औरतें हम जैसे छोटे बच्चों को ही आजकल पसंद करती है। वो तुझे लाइन देती है, अबे एड़े तू उसे जल्दी से प्रपोज मार दे और मजे कर मजे। क्या हुआ रोन, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? आई लव यू। आई लव यू बच्चा। ये क्या कर रहे हो तुम? हम कपल है ना, तो किस कर रहा था? तुम गलत समझ रहे हो रोन, मैंने हमेशा तुम्हें मेरे बेटे जैसा ही समझा है। पर मैं तुमको सचमुच में प्यार करता हूँ, तुम्हें देख के मुझे कुछ कुछ होता है। देखो रोन, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी भी है, और ये सब मैंने कभी सोचा नहीं था। तो अब सोच लो। रोन तुम अभी क्या भी मेरे घर से निकल जाओ। पर मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तुम जाओ यहाँ से और यहाँ पे वापस कभी मत आना। मैं अभी जाता हूँ, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं भूल पाऊंगा।
हेलो रोहन। हाँ बोलो। ये क्या है रोहन, ये तस्वीर जो तुमने भेजी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमारा चक्कर चल रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तुम्हारे लिए बकवास है लेकिन लोगों के लिए सच्चाई है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तुमने मेरे सामने ना कोई रास्ता नहीं छोड़ा। रोहन नादान मत बनो, इससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो मुझे क्या? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो ये फोटो तुम्हारे पति को भेज दूंगा और जो होगा आगे वो तुम्हें तो पता ही है। आखिर क्या चाहते हो तुम? हाँ, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और आता ही रहूंगा और जो मैं बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, समझी? अब आएगा मजा। देखो रोहन, जो तुम कर रहे हो ना वो सब गलत है। देखो मैं ये सब सुनने नहीं आया हूँ, मैं तो बस प्यार भरी बातें करने आया हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार भरी बातें करती हो तो मैं यहाँ से चुपचाप चल जाऊंगा, कसम से। मेरे पति को अगर ये पता चला तो वो मुझे छोड़ देंगे। तो अच्छी बात है, तुम मेरे पास रहोगी। पर मैं ये सब नहीं चाहती। तो चुपचाप मेरे साथ प्यार भरी बातें करो, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगा, ना ही किसी को फोटो दिखाऊंगा, समझी? रोहन ने उस तस्वीर को अपना हथियार बनाकर शिल्पा को मजबूर कर दिया कि वो उसके साथ अनैतिक संबंध बनाए, पर शिल्पा हमेशा खुद को बचाती रही। शिल्पा सिर्फ रोहन से प्यार भरी बातें करती थी, पर आखिर कब तक शिल्पा अपने आप को बचा पाएगी? रोहन ने शिल्पा को बेहोश करके उसके साथ कुकर्म किया। शिल्पा अब इस दलदल में और फंसती जा रही थी, उसे इससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। रोहन ने काफ़ी वीडियो बना लिए थे और उन्हीं को दिखाकर वो शिल्पा को मजबूर करता था। आखिर इस सब से बाहर निकलने का अब शिल्पा के पास एक ही रास्ता था। आखिर शिल्पा ने आत्महत्या कर ली। इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद रोहन ने जो किया उसका पता चला, लेकिन रोहन 18 साल का नहीं था इसलिए उसे कठोर शिक्षा नहीं हुई। आपका लगाव कभी कभी आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप चुप ना रहें। अपने भरोसेमंद लोगों को ये सारी बातें बताइए और रोकिए ऐसी घटनाओं को। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।